नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से सेम स्प्रिंग इज अटैच्ड विद 2 kg 3 kg एंड 1 kg ब्लॉक्स इन थ्री डिफरेंट केसेस एज शोन इन द फिगर इफ x1 x2 x3 बी द रेस्पेक्टिव एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन दीज थ्री केसेस देन हमें बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। नाउ ये बात अपने को पता है कि यहाँ पे मान लीजिए टेंशन आपकी एक काम करते हैं इसको कह रहे हैं T1 ये T2 और ये यहाँ पे कह रहे हैं आपकी टेंशन इस केस में होगी T3। नाउ ये बात हमें पता है इसको थ्योरी में हम कवर कर चुके हैं कि इन सम सिनेरियोस हम कहते हैं स्प्रिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रिंग। हम कहते हैं कि जब आपके मासेज आपके ऑसिलेट नहीं कर रहे हो तो हम स्प्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं एक स्ट्रिंग से। व्हाट दैट मींस इज कि इन तीनों स्प्रिंग्स में जो आपका FSP डेवलप होएगा आपका स्प्रिंग फोर्स डेवलप होएगा विच विल बी इक्वल टू KX वो एग्जैक्ट टेंशन के बराबर होएगा। तो इस केस में टेंशन T1 है वही आपका इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन दे देगी। सो विच मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका पहले वाला जो FSP1 है दैट विल बी इक्वल टू KX माइनस साइन हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज दैट ओनली शोज डायरेक्शन विल बी इक्वल टू T1 एंड सिमिलरली आपका FSP2 जो आएगा वो T2 के बराबर होगा विच मीन्स आपका एक्सटेंशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। राइट, तो जिसमें ज़्यादा टेंशन उसका ज़्यादा एक्सटेंशन। सो नाउ अब क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है तो हम टेंशन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो T1 विल बी इक्वल टू, अच्छा इसका जो फॉर्मूला होता है टेंशन का उसको हम कहते हैं ट्वाइस M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 G। तो उस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज़ करके टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें ज़्यादा टेंशन उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन। राइट, सो T1 जो हैगा इस केस में दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दोनों मासेज आपके 2 के जीज के 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 G। ठीक है, तो G के टर्म में आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 8/4 यानी कि 2 G। T2 जो है दैट विल बी इक्वल टू इस केस में ये होएगा ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 12/5 G। राइट, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 2.4 G। डेसिमल प्लेस में डाल के नाउ वी कैन बी श्योर कि X2 या T2 इज ग्रेटर देन आपका T1। नाउ कैलकुलेट करते हैं T3। T3 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 G और दैट विल बी इक्वल टू 1.33 G। तो नाउ क्योंकि अपना एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के, सो इस केसेस में हम कह सकते हैं X2 हाईएस्ट है विल बी मोर देन आपका उसके बाद X1 विच विल बी मोर देन आपका X3 बिकॉज यही आपका टेंशन का रेशो है। हेंस आपका ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर।